जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के द्वारा नाम जप की महिमा। भगवान नाम की अमोघ शक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायणता में, नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नाम के अर्थ का चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये सात भाव मुख्य हैं। इन भावों से युक्त होकर नाम का आश्रय करने वाले पुरुषों को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। पहला, किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करते हुए नाम में दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिए। नाम से ही सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। नाम की जितनी जो कुछ महिमा शास्त्रों और संतों ने गाई है, सारी सत्य है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। नाम विश्वास के संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का निम्नलिखित पद स्मरण रखने योग्य है कि भरोसो जाहि दूसरों सो करो, मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। दूसरा, नाम में वैसी ही आदर बुद्धि होनी चाहिए जैसी भक्त की भगवान में होती है। सत्कार सेवित अभ्यास ही स्थिर हुआ करता है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग और श्रद्धा के साथ जो नाम जप है, वही आदर बुद्धि युक्त माना जाता है। यद्यपि नाम की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार, अवहेलना और असम्मान के साथ निकला हुआ नाम भी पापों का नाश करता है। जैसे किसी भी प्रकार से स्पर्श हो जाने पर अग्नि ईंधन को जला देती है, तथापि आदर युक्त नाम जप की बड़ी महिमा है। तीसरा, नाम में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का फल आनंद है। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है। उसका नाम सुनने अथवा लिए जाने पर चित्त सागर में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। इसी प्रकार नाम में प्रेम हो जाने पर एक एक नाम उच्चारण में साधक को ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है कि वह उसी में तन्मय हो जाता है। फिर नाम को छोड़कर क्षण भर में भी वह रह नहीं सकता। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। चौथा, नाम में निष्काम भाव होना चाहिए। जिसको नाम के स्वरूप, प्रभाव, महत्व और रहस्य का पता है, वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। नाम के बदले में और जो कुछ चाहता है, उसने तो नाम का कोई महत्व जाना ही नहीं। नाम के बदले में संसार के सुख भोग चाहना, अमृत के बदले में विष मांगना है, और स्वर्ग आदि चाहना तो बहुमूल्य रत्न देकर पत्थर चाहना है। नाम जप का फल नाम निष्ठा ही होना चाहिए। पांचवा, भगवान के नाम में और नामी भगवान में अभेद है। भगवान की भांति ही भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना, नाम के अर्थ का चिंतन करना है। मैं जो भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, सो भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूँ। इस प्रकार की निश्चित अनुभूति प्रत्येक नाम उच्चारण के साथ साथ होती रहनी चाहिए। जब तक अनुभूति न हो, तब तक ऐसी भावना करनी चाहिए। छठा, नाम जप तेल धारावत होना चाहिए। संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए ही कहूँ संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए ही हों। सातवां, नाम स्मरण को जहाँ तक हो, कृपण के धन और जार के प्रेम की भांति छिपाकर रखना चाहिए। इसी में उसकी मर्यादा है और इसी में उसकी सुरक्षा है। इसका यह अर्थ नहीं कि जो इन सात भावों से नाम जप न कर सकते हों, वे नाम जप ही न करें। किसी भी भाव से नाम जप करना उत्तम है। कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, हंसी से और सबको सुना सुना कर भी यदि नाम जप किया जाए, तो वह भी न करने की अपेक्षा बहुत उत्तम है। उससे भी पापों का नाश होकर अंत में नाम निष्ठा, लाभ तथा भगवत प्राप्ति हो जाती है।
भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। कुछ भी ना हो तो जीभ से लगातार नाम की रट लगती ही रहनी चाहिए। जय श्री राधे। जय